अगर आप भी एक दुकानदार हो, अगर आप भी खाता बुक ऐप का यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको यूज़ करने के लिए आता ही नहीं है, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से खाता बुक ऐप का यूज़ किया जाता है। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नीतीश चौधरी एंड यू आर वॉचिंग टेक फैमिली। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट तो ज़रूर करूँगा। अगर आप अभी तक हमारे टेक फैमिली यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा घंटी मिलेंगे, घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल कर देना है ताकि टेक फैमिली यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आए तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर चले जाए और आप इन सभी वीडियो को सबसे पहले अपने फ़ोन में देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन का प्ले स्टोर खोलें और यहाँ आप प्ले स्टोर से खाता बुक ऐप को इंस्टॉल करें। तो चलिए हम देख सकते हैं कि प्ले स्टोर पे आ चुके हैं और अपने फ़ोन में खाता बुक ऐप को इंस्टॉल भी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम सीधे इस ऐप को ओपन करते हैं और लैंग्वेज का ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे खाता बुक आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से लैंग्वेज में खाता बुक ऐप का यूज़ करना चाहते हैं। तो भैया, मैं तो हिंदुस्तान से हूँ तो हिंदी ही करूँगा, तो चलिए हम हिंदी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट यूजिंग खाता बुक पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोन नंबर डालना होता है। जो फ़ोन नंबर आपके फ़ोन में होंगे वो डायरेक्ट यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में गेट पिन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इसी नंबर पे ये एक ओटीपी सेंड करते हैं जिन्हें आपको वेरीफाई करना होगा। आपका फ़ोन नंबर जहाँ कहीं भी होगा उस पे ये एक पिन भेजेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पिन डालना होता है नीचे में, या फिर अगर आपके नंबर इसी फ़ोन में है तो ये जो पिन है ऑटोमेटिक ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसका ऐड चलते हैं और ये आपको बताते हैं कि खाता बुक क्या है, इसमें यूज़ कैसे करें और फ़ायदे क्या है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो इसमें आप आगे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको अपना जो शॉप है उसका नाम टाइप करना होता है। तो अभी लोडिंग चल रही है तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना नाम या फिर शॉप का नाम डाल सकते हैं। तो चलिए हम अभी अपना नाम डालते हैं, नीतीश, उसके बाद हम आगे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना शॉप या बिजनेस नाम डालना होता है। तो चलिए मेरा है मान लीजिए कि मोबाइल शॉप, ठीक ना। तो चलिए आप अपना दुकान का नाम टाइप करें। तो चलिए शॉप, मोबाइल शॉप है मेरे पास, मान लेते हैं। आपका दुकान का जो नाम है वो डालें या फिर आप कुछ भी वैसे भी टाइप कर सकते हैं, आप अपना नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे खाता बुक पूछ रहे हैं कि आपका जो शॉप है वो कौन से कैटेगरी का है। तो मेरा है मोबाइल वाला कैटेगरी, आपका किराना है तो आप किराना लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं वो परमिशन चाहूँगा आपसे, जो भी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में है उसे खाता बुक में ऐड कर दूं, जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होंगे, ठीक ना। तो हाँ यार, ऐसा ठीक है, तो इसे आप ज़रूर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव परमिशंस कर दें। उसके बाद फाइनली इस ऐप में आप लॉगिन हो जाते हैं, ठीक ना। तो अब खाता बुक का यूज़ कैसे करना है वही ध्यान से सीख लीजिए। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है वो दिख जाएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक किराना का स्टोर है, ठीक ना, या फिर मान लेते हैं मेरे पास एक मोबाइल का शॉप है, ठीक ना, और मैं अपने दोस्तों को उधार दिया था आज शाम को, ठीक ना। तो इसके लिए हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है ए एन पंडित, तो हम इसका नाम जो है ऐड करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी आदमी है जिसका नाम अभी आप ऐड किए हैं तो उसको आप कितना उधार दिए हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसे उधार दिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल उसे दिया था मैं 80 रुपये, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे आप होम था या जो था उसे आप डाल सकते हैं, होम, ऑफिस,
घर का एड्रेस डाल सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल होम कर देते हैं, तो उसका एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं कि वो कहाँ रहता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आप टाइम भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद टुडे है या जो है आज लिया था या कल, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और कौन सा सामान लिया था उसका भी फ़ोटो यहाँ पे आप खींच करके सेव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में सेव का बटन मिलेंगे जिस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये आपसे पूछते हैं क्या ये नोटिफिकेशन जो है जो बंदा है उसे मैं व्हाट्सअप कर दूँ। तो हाँ भाई, उसको व्हाट्सअप कर दो ताकि उसे याद रहे कि उसे मेरे पैसे देने हैं, ठीक ना। तो इसे आप अलाउ करें, उसके बाद ओके सेंड पे क्लिक कर दे। तो ये देख सकते हैं कि इसके नाम पे उधार हो चुका है, ठीक ना। अब मैं मतलब कि मान लीजिए ए एन पंडित मुझे अगला दिन आके पैसे दे दिया या फिर ऑनलाइन पे कर दिया, इसमें दोनों व्यवस्था है। तो मान लीजिए कि मेरे शॉप पे आके ए एन पंडित जो है मुझे पैसे दे दिया, ठीक ना। तो अब पैसे जो दिया उसे हम कैसे लिखना है वो आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देख सकते कि उधारी आज का है 80 रुपये, और जब वे पेमेंट करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेंगे कोने में, देख सकते हैं कि अमाउंट गुड्स इन, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है कि वो पैसे दे रहा है आपको, ठीक ना। और अगर आपसे और भी उधारी ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको अमाउंट्स और गॉड्स और ये जो है आउट पे क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे और ये उधारी लिया, ठीक ना, और उधारी लिया ये मुझसे 80 रुपये वो लिया था, और बाद में चलिए अभी 20 रुपये लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो लिया था उसे आप टाइप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम तेल टाइप कर देते हैं, तेल लिया था हमसे, सॉरी तेल नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिया था भाउचर, ठीक ना। तो चलिए माई कर देते हैं। तो एक हमसे भाउचर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पहले का था 80 और अभी का था 20 रुपये, ठीक ना। तो इसके पास अब मेरे को 100 रुपये हो गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास मेरे 100 रुपये है, ठीक ना। अगर यही बंदा परसों आके मुझे पैसे दे दिया, ठीक ना, तो अगर पैसे दे रहे हैं आपको, पेमेंट कर रहे हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देख सकते हैं अमाउंट गुड्स इन, ठीक ना, हरे वाले बटन पे। अब इसके पास मेरे को 100 रुपये था, ठीक ना, और ये मुझे आके 100 रुपये चाहे ये फिर 70 रुपये मुझे वापस कर दिया, दे दिया। और यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं कि किसने पैसे दिया था, किसके थ्रू भिजवाया था, वो खुद था या फिर जो था। तो मान लीजिए कि उसका बेटा मेरी दुकान पे आके पैसे दे दिया, ठीक ना। तो उसका बेटा का नाम मान लीजिए कवि यार, चलिए अमित कर लेते हैं। तो इसे आप खुद से टाइप कर सकते हैं, अमित था उसका बेटा का नाम, ठीक ना। उसका फ़ोटो भी आप खींच के रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर उस सामान का भी फ़ोटो आप खींच के रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अब सेव जैसे ही कीजिएगा तो देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे जैसे ही 70 रुपये दिया तो इसका जो पेमेंट है दरअसल 30 रुपये बच चुका है अब, जो कि पहले था 100 रुपये। अब इसका जो नोटिफिकेशन है इसके व्हाट्सएप पे भी चला गए होंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कि 70 रुपये पेड कर दिए और यहाँ पे, और जो है इसका उधारी अभी 30 रुपये बचा है। अब किसी और भी आदमी का यहाँ पे आप नाम जोड़ सकते हैं प्लस पे क्लिक करके। तो कुछ इसी तरह से जो है आप खाता बुक ऐप का यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके मन में जो कोई भी प्यारा सा कमेंट हो, सवाल हो, सुझाव हो, वो आप हमें दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमारे व्हाट्सअप से भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप हमें कॉल करके भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। वंदे मातरम।